गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ONGC के शेयर के बारे में, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में। और दोस्तों, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फिलहाल हमें फ्राइडे के दिन इसमें 2.46% की डी ग्रोथ देखने को मिली, यानी गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है जो कि इनका Q3 का रिजल्ट है, और वही हम आज के वीडियो में एनालिस्ट करने वाले हैं। तो अगर आप ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ONGC के शेयर को फॉलो कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे आके देखेंगे तो हम आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ONGC शेयर से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो ONGC की जो लेटेस्ट प्राइस है, शेयर प्राइस, वो 97 रुपीज़ के आसपास है, और इसमें हमें फ्राइडे के दिन 2.46% की डी ग्रोथ यानी कि गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जब शेयर मार्केट में खुला तो 99 रुपीज़ के आसपास था, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अगर हम देखें तो ये गिरावट के बाद सैटरडे के दिन इनका Q3 का रिजल्ट आता है, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो देखने को मिलता है साथ ही साथ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन्हें पिछले साल के Q3 के रिजल्ट के मुताबिक इस साल इनको प्रॉफिट बहुत ही कम हुआ है। और वो अगर आप देखेंगे तो ONGC Q3 प्रॉफिट फॉल 67% ऑन अ ड्रॉप इन ऑयल गैस प्राइजेस। दोस्तों, द कंपनी रियलाइज्ड $43.9 पर बैरल क्रूड ऑयल इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द करेंट फिस्कल, डाउन फ्रॉम $58.24 इट हैड रियलाइज्ड इन द सेम पीरियड ऑफ अ ईयर बैक। यानी कि दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो इस साल इन्होंने $43.9 के हिसाब से बेचा था पर बैरल के हिसाब से, और यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले साल ये 58.24 बैरल के हिसाब से गया था। Q3 का अगर हम इसका इनका रिजल्ट एनालाइज करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेल्स में इन्हें 1,288 करोड़ रुपीज़ के आसपास का इनका सेल्स है, और सीधा अगर हम नेट प्रॉफिट में आते हैं तो 3,512 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुताबिक भी कम है। और अगर हम देखें तो यही Q3 का क्वार्टर 2019 में इनका काफ़ी अच्छा था, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बार फॉल हो गया है 67% के हिसाब से। और साथ ही साथ दोस्तों, कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। इस डिविडेंड से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यूज़ दी गई है, अगर आप ये पढ़ पा रहे होंगे तो, द कंपनी बोर्ड एट इट्स मीटिंग ऑन अ सैटरडे अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 35% फॉर ₹1.75 ऑन ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹5। दोस्तों, 35% का डिविडेंड अनाउंस किया है, और अगर हम देखें तो पर शेयर होल्डर को इसमें ₹1.75 के आसपास इनको मनी मिलेगा। बट दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। और यहाँ पे अगर आप ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो स्टेट ओन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ऑन सैटरडे रिपोर्टेड ओवर 67% फॉल इन द दिसंबर क्वार्टर नेट प्रॉफिट। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट इन अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर एट ₹1,378 करोड़ वॉज 67.4% लोअर दैन 4,226 करोड़ नेट प्रॉफिट इन द सेम क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर। दोस्तों, इस बार के मुताबिक अगर हम देखें तो पिछले साल का जो इनका क्वार्टर का रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा था, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो पैंडामिक के वजह से भी यहाँ पे कमी आई है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो द कंपनी रियलाइज 43.9 ऑन एवरी बैरल ऑफ क्रूड ऑयल इट प्रोड्यूस एंड सोल्ड इट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द करेंट फिस्कल, डाउन फ्रॉम 58.24 बैरल इट हैड रियलाइज इन द सेम पीरियड ऑफ अ ईयर बैक। दोस्तों, पिछले साल अगर हम देखें तो 58.24 बैरल के हिसाब से इन्होंने क्रूड ऑयल बेचा था, बट इस बार इन्होंने $43.9 पर बैरल के हिसाब से बेचा है। और दोस्तों, इसके बाद अगर हम देखें तो ये रीज़न यहाँ पे दिया गया है इसके प्रॉफिट के कम होने का, टर्नओवर वाज डाउन 28% एट ₹17,024 करोड़ के आसपास। द कंपनी बोर्ड एट इट्स मीटिंग ऑन अ सैटरडे अप्रूव इंटरिम डिविडेंड ऑफ 35%। दोस्तों, ONGC से रिलेटेड यही न्यूज़ थी। इनका Q3 का रिज़ल्ट आ चुका है जो कि सैटरडे के दिन आया, यानी कि फ्राइडे के दिन जब मार्केट बंद हुआ उसके बाद आया। और उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी ने ₹1.75 के आसपास का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, बट इनका Q3 का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, लेकिन Q3 का प्रॉफिट अच्छा आया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनका Q3 का प्रॉफिट लॉस में गया है, बट या इनका प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन दोस्तों, ONGC का शेयर एक अच्छा शेयर माना जा सकता है, क्योंकि ये एक PSU स्टॉक है जो कि गवर्नमेंट के अंदर आता है। इट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
अगर आप ये पढ़ पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।